दिक्कत है इस खाली है शंड लोक आले सरकार सगळी यांची भोसडीचे झाले
शिकायत दर्ज की गई है। मुझे दुख होता है, मुलुन को मुमरा बनाया जा रहा है और यहाँ के उद्धव ठाकरे सेना के लोग आके हमारे पर हल्ला करने का प्रयास करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि चोरड़िया बिल्डर शाहिद पालवा को 20,000 करोड़ रुपए की लूट करने का लाइसेंस मिले, मुलुन का मुमरा बनाया जाए। जिस प्रकार से मुलुंड में 50,000 लोग लाए जाएंगे, इसमें से आधे बांग्लादेशी होंगे, कोई रमीम भाई, कोई समीम भाई, सब इसी प्रकार की मोहम्मद फैजल, मोहम्मद अब्दुल, ये पूछिए। हमने इसका विरोध किया, हम कोर्ट में भी गए, हम सरकार के पास भी गए। आज मेरे मित्र सहकारी प्रभाकर शिंदे, राहुल बनावड़ीकर, मधुरा, हम सब नागरिकों के साथ में एक हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू किया है। हमारे साथ में काश्मीरा भट्ट भी है। हम मुलुन को मुमरा बनने नहीं देंगे। कौन कौन से बिल्डर इसमें शामिल है, कौन कौन से अधिकारी शामिल है इसमें, किस तरह से अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत, कुचू भाई, किरीट तोमैया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरे पार्टनर उद्धव ठाकरे ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? चोरड़िया बिल्डर को, शाहिद बालवा बिल्डर को। अब संजय राउत की बोलती बंद है। ये बिल्डर को 20,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। मुलुन की सदनी का 10 लाख में बिल्डर तैयार कर रहा है। महापालिका 7,439 फ्लैट, 52 लाख एक फ्लैट, प्रभा देवी सिद्धि विनायक मंदिर के पीछे ये उद्धव ठाकरे साहब 455 बंगाली फैमिली ला, बांग्लादेशी परिवार ला रहे हैं। 18 लाख में एक फ्लैट तैयार हो रहा है। 1,14,00,000 में इकबाल चल मुंबई महापालिका ने खरीदे है। ये बिल्डर को 20,000 करोड़ की लूट और मुलुन का मुमरा। उद्धव ठाकरे ने तो कांग्रेस से समझौता किया है ना, अभी हरे हो गए। सरकार आपकी जनता के पीछे आप खड़े हुए हैं कि सर सरकार इस प्रकार का एग्रीमेंट लीगल प्रोविजन किया है जो हमें डरा रहे हैं अधिकारीगण, इकबाल चल, अगर आप रद्द करोगे तो आपको पैसा जुर्माना होगा। हमें की कोई धमकी से मुंबई महापालिका कमिश्नर इकबाल चल से डरने वाले नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे, सड़क पे उतरेंगे, लेकिन मुलुन का मुमरा नहीं होने देंगे। मुझे विश्वास है एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री ने जूहू का प्रकल्प रोका, मलाड़ का रोका, चांदीवली का कैंसिल किया है। मुझे खात्री है मुलुन भी का प्रकल्प रुकेगा। सर नवघर पुलिस में इस बारे में आपने कंप्लेंट की है, आगे का मामला किस तरह से कौन हैंडल कर रहा है? हमने आजाद मैदान में कंप्लेंट किए, नवघर मुलुन में किए, अब वो दोनों हमारी शिकायत है मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंसिंग को सौंप दी गई है। मुझे विश्वास है एकनाथ शिंदे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये 20,000 करोड़ की लूट की जांच के आदेश देंगे।